बड़ा चेंज देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे इलेक्टेड लोग थे, उन्होंने अपना काम किया, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। चेयरमैन साहब यहाँ के जो थे डीएमसी सेंट्रल के, बहुत सीनियर, उन्होंने बड़ा एक्टिव भी रहे, आपने देखा बारिशों में भी उन्होंने बहुत काम किया। रात को अगर चीफ मिनिस्टर साहब, हम लोग रात को 2 बजे भी आए हैं, 3 बजे भी आए हैं, तो हालांकि उनके आखिरी टाइम था, 2-4 दिन ही रहते थे उनके टेन्योर में, उसके बावजूद वो बड़े फाल नज़र आए। लेकिन बहुत सारी और इश्यूज होते हैं जिनको अब जो ये टीम हमने यहाँ पे रखा है, इनको ये बेहतर नतीजे देंगे और आपको काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। आप जैसे अभी खुद एक निशानदेही की कि जैसे पहले आप यहाँ पे ड्रेनेज और दीगर मसाइल को हल करेंगे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। जी जी, जो इश्यूज हैं उन सबको कैटर कर रहे हैं, तो इसके लिए चेयरमैन साहब की हिदायत पर सीएम साहब ने खुसूसी जो है एलोकेशन फंड्स की भी की है, क्योंकि बगैर फंड्स के मामलात हल नहीं होंगे। डीएमसी का अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देख लें तो जो सैलरीज हैं वही इनकी ज़्यादा बनती हैं, जो इनकी एलोकेशन ओजेड आता है, जो इनको मिलता है महीने का या साल में आप कह लें। और फिर इनको अपने वसाइल भी बढ़ाने हैं, और वो जो टैक्सेस हैं जो बहुत कम रिकवर किए जाते हैं उनको इन्होंने बढ़ाना होगा, जिस पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है। वो एक पोर्टल बना रहे हैं, और वैसे भी जो हमारा क्लिक का प्रोग्राम है, स्विप का प्रोग्राम है, उसमें भी ये चीज़ है कि हम टैक्सेस को बेहतर करेंगे, ताकि टैक्स वसूल तो किए जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर उसमें जमा नहीं होते। जहाँ पे उनको जमा होना है वहाँ पे जमा होंगे, तो फिर जाहिर है वो रिसोर्सेज यहाँ पे खर्च होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये सब किया जा रहा है, और एक अच्छा फंड जो है